हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये है होने वाली है हमारी कोरोना वायरस के वैक्सीन की अपडेट वीडियो, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक हमारे पास आ सकती है। तो दोस्तों, हम सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस डे बाय डे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नियर अबाउट 80 to 85,000 केसेस डेली आ रहे हैं हमारे आसपास। तो दोस्तों, अगर अक्टूबर में वैक्सीन को लॉन्च करने का मास्टर प्लान जानना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहो। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है और अगर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। तो दोस्तों, फिजर बायोटेक की जो वैक्सीन है वो एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक कंपनी उस पर वर्क कर रही है और इस वैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी ने लेट फेज 3 ट्रायल्स में एंटर कर दिया है इस वैक्सीन को लेकर और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये वैक्सीन टोटल 30,000 पार्टिसिपेंट्स पे यूज़ किया जाएगा और इसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन दे दी गई और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस कंपनी फिजर बायोटेक ने काफ़ी समय पहले ही ये कहा था कि क्या कहते हैं, अक्टूबर में अपना डेटा शेयर कर देगा रिव्यू करने के लिए, और साथ ही साथ FDA भी बैठा हुआ है साइड में कि वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई कंपनी आए और अपना डेटा शेयर करे रिव्यू करने के लिए, ताकि अगर अच्छे डेटा के रिजल्ट्स हो तो इसको इमरजेंसी अप्रूवल करे और मार्केट में लॉन्च किया जा सके। तो दोस्तों, ये 100% नियर अबाउट 100% सेट है कि ये वैक्सीन अक्टूबर में आ सकती है। तो दोस्तों, आप सब क्या ये सवाल होगा कि क्या कहते हैं, आखिर इंडिया को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्योंकि ये फाइजर बायोटेक जो है एक US बेस्ड कंपनी है, और इंडिया में क्या ये वैक्सीन आ पाएगी कि नहीं। तो दोस्तों, आप सबका ये सोचना बिल्कुल गलत है। इस सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक ही इनिशिएटिव ले लिया है और टॉक्स मतलब बातचीत करने में लगी हुई फाइजर बायोटेक के साथ, और उसे बोला कि क्या कहते हैं, अपने मैक्सिमम डेटा शेयर करिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये वैक्सीन इंडिया में बन सकती है कि नहीं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी वैक्सीन इंडिया में नहीं बन सकती, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का भी बहुत बड़ा इंडिया को पार्टनरशिप मिला हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बहुत बड़ा वैक्सीन बनाने का। तो दोस्तों, आई थिंक सो वैक्सीन बन सकती है इंडिया में। तो दोस्तों, सोचिए अगर ये वैक्सीन इंडिया में बनने लगे तो पहली चीज़ तो ये कि FDA इस वैक्सीन को अप्रूवल दे देगा, जिससे हमें एक अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, और दूसरी चीज़, तब तक अगर डेटा शेयर हो जाता है तो इंडिया ये वैक्सीन बनाने के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो नियर अबाउट अगर आप देखें तो दिवाली या दिवाली से जस्ट पहले ये मार्केट्स में आ सकती है, और अगर सबको इजीली अवेलेबल नहीं हो तो सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी लोग कोरोना पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और हाई रिस्क पेशेंट्स जितने हैं उनको ये वैक्सीन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर यही मास्टर प्लान फॉलो होता रहा तो ज़रूर से अक्टूबर में ये वैक्सीन आ जाएगी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर बाई चांस अगर ये वैक्सीन इंडिया में नहीं बनती है तो भी ये इंडिया में कुछ डोजेस तो वहाँ US कंपनी से आ ही सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का अगर देखा जाए फाइजर बायोटेक का, तो नियर अबाउट 13 करोड़ डोजेज ये बना सकते हैं एट द एंड ऑफ 2021 और 2021 तक ये 130 करोड़ डोजेस भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है हमारे लिए ये कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेते हुए। तो दोस्तों, ये एक मास्टर प्लान है जो अक्टूबर के लिए कंसिडर किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि दिवाली से पहले ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सकती है। तो दोस्तों, कुछ लिंक्स हमें मिल रही थी ऐसी, तो मैं ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि आप लोग को अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे कोरोना वायरस के वैक्सीन पर और भी बहुत सारी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।